तो आ गए आप लोग, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल अच्छे हो गए है ना। हाँ क्या हुआ, आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 11.3। 11.2 तक आपने बिल्कुल अच्छे से ख़त्म कर रखा है, हम और आप दोनों जानते हैं। ठीक है, आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, दैट इज 11.3। लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर मैं दो डायग्राम बना रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही कह रखा है जिसमें हमें क्या करना है, इन दोनों डायग्राम को देख करके बताना है कि किसमें लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर पड़ेगा। मतलब कुछ इसके अंदर मटेरियल भरना है दोनों बॉक्स के अंदर, लेकिन सेम मटेरियल भरना है, और देखते हैं कि किस बॉक्स में कम मटेरियल आएगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लें दोनों का, है ना। कौन सा एरिया निकालते हैं, या हम इसके सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। या तो हम ऐसा कर लो, या तो कोई एक सरफेस एरिया मान लो हमने कुछ कवर करना है, राउंड करना है, तो हमने कह रहे हैं किस पे हमें राउंड करने के लिए लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर पड़ेगा। बात समझ में आई? इसको हमने किसी पेपर से फोल्ड करके, इसको राउंड करके पूरा एकदम डब्बा को क्लोज करना है, तो कौन से बॉक्स को कवर करने के लिए हमें लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया निकालेंगे। हर एक का सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। आइए फर्स्ट वाले में करते हैं, इसका करते हैं टोटल सरफेस एरिया। होता क्या है इसका टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 2 LB प्लस में BH और प्लस में HL। अब यहाँ पर LBH क्या है, ये है हमारा लेंथ, ये है हमारा ब्रेथ, और ये है हमारी हाइट, है ना। वैल्यू रखो यहाँ पर 2 LB, L यानी 60 × 40 प्लस में BH यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 40 × 50 और प्लस में HL, BH हो गया HL 50 × 60। बात आई समझ में? इनको करो मतलब यहाँ से हम 2 लेंगे, देखिए 64 जा ये हो गया 24, ये रहा 00, एजटिस कर देंगे। 54 जा ये हो गया 20, ये 00 एजटिस लिख देंगे, है ना। 56 जा 30, ये रहा 00, हाँ बिल्कुल सही है, एजटिस लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इन सबको अंदर अंदर में ऐड करते हैं हम। देखिए ऐड करते हैं 0 0 0, यहाँ पर लिखते हैं 0 0 0 0, यहाँ पर लिखते हैं 0 0 0 4, यहाँ पर लिखते हैं 4 3 2 5 5 2 7, ये हो गया 7400। 6 ना बोला करो, सुनाई देता है सब मुझे, है ना। 2 × 7400, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 00 तो एजटिस लिख देंगे, इसके बाद 4 2 जा 8, है ना, और 7 2 जा 14, यह आ गया 14800। ठीक है, इसी तरीके से हम जो बी पार्ट है इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो TSA शॉर्ट में बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। इधर भी सेम फॉर्मूला, LB BH और HL निकालते हैं। निकालकर हमको बस यही बताना है किसका एरिया कम होगा, जिसका एरिया कम होगा उसमें क्या होगा, हमारा मटेरियल कम लगेगा। तो आओ देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, ये रहा, इसमें देखते हैं हम एरिया निकालते हैं इसका। 2 यहाँ पर क्या है, एल बी एच सब 50 50 है ना, तो यहाँ पर हो गया 50 × 50 प्लस में 50 × कह रहे हो कर लेंगे सर, अरे रुक जाओ, कर तो लोगे ही, लेकिन कुछ महान लोग हैं ना तो उनके लिए भी तो कर दूँ। महान का मतलब अच्छे स्टूडेंट, जो अच्छे बनने के लिए पढ़ाई किए जा रहे हैं, है ना। आ जाओ 5 5 जा 25, है ना, 5 5 जा 25, ये आ गया हमारा 2 25 75 75 75, ये आ गया हमारा 75। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो 5 2 जा, अरे हटाओ ना ब्रैकेट, क्या है ब्रैकेट का काम, है ना, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, 00 तो आने ही आने हैं इसमें। 5 2 जा 10, 7 4 जा 14 और 1 15। तो बताओ अब तो आंसर मिल गया होगा, तो आप लोग को अब ये समझ में आ गया होगा कौन सा ऐसा बॉक्स है जिसमें हमारा मटेरियल कम लगना है। तो वो कौन सा है, हमारा ए वाला बॉक्स। ये बॉक्स का एरिया कम है ना, कंपेयर टू ये वाला बॉक्स 15000 है, ये 14000 है।
तो मतलब इसमें क्या लगना है, मटेरियल कम लगना है। बात क्लियर? चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। आ जाओ तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इसमें क्या है, एक हमारे पास सूटकेस है जिसका हमें LBS यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखा है। कह रहे हैं इसे कवर करना एक टार्पोलिन क्लॉथ, अरे कोई भी क्लॉथ इंग्लिश लिख रखा है, टेंशन मत लो, एक कोई कपड़ा है उससे हमें उसे कवर्ड करना है। मेनी मीटर्स ऑफ टार्पोलिन क्लॉथ ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू, यहाँ पर हमारे पास विड्थ दे रखा है 96 सेंटीमीटर उस कपड़े का, एल नहीं दे रखा है हमें, ठीक है। फिर कह रहा है रिक्वायर टू कवर 100 सच सूटकेस, मतलब 100 इसी तरीके के सूटकेस को कवर करने के लिए हमारे पास कितना कपड़ा चाहिए, ये हमको बताना है, ठीक है। तो आइए इसी के सीक्वेंस में हम देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, उसका जितना भी हमें कपड़ा चाहिए उसका, यानी कपड़ा छोड़िए, जितना हमें हमारे पास नंबर ऑफ सूटकेस हैं उस सूटकेस का हमारे पास एरिया पता होना चाहिए कि अगर हम उस सूटकेस को एक साथ करके कवर करेंगे या अलग अलग भी कवर करेंगे तो हमारे पास कितने कपड़े चाहिए उसे पूरा का पूरा कवर करने के लिए। तो आइए देखते हैं, फिर कह रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, है ना। तो यहाँ पर क्या होता, अभी मैंने बताया 2 LB BH और HL। टू हमारे पास L कितना है 80, ये है हमारा L, ये है B, ये है H। L कितना है 80 इंटू में B कितना है हमारे पास 48 प्लस में फिर B कितना है हमारे पास 48 इंटू में H कितना है हमारे पास 24 प्लस में H कितना हमारे पास 24 इंटू में L कितना हमारे पास 80, है ना। अब इसे हमने अंदर में सॉल्व करना, यानी ब्रैकेट के अंदर में। तो देखिए ये चीज़ों को भूल जाइए, 88 जा 64 बचा कितना 6, 84 जा 84 जा 24 में 6 ऐड करेंगे कितना होगा 84 जा 32, 34 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 38, है ना, सही। अच्छा ये रहा जीरो, एज इट इज लिख दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 48 24, इसे मैं करता हूँ 24 48, वही अपना मैथड से करेंगे मल्टीप्लाई। ये देखिए 84 जा 32, 32 का 2 बचा 3, 82 जा 16, अब 44 जा 16 और 16 32 और 3 35 की यहाँ 5 बचा 3, 42 जा 8 और 3 83 ये रहा 1152। इसके बाद ये वाला, ये देखिए जो हमने ये रखा है वही चीज़ ये भी है, तो ये क्या है 3, अच्छा नहीं वो चीज़ नहीं है, है ना, ये 24 है ना 24 और 80, मतलब आइए अब इसे करते हैं। ये क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा 40 जा 20 जा 84 जा 32 का 2 बचा यहाँ पर कितना 3, 82 जा 16 और 3 19 20, मूवी आ गई ना 19 20, एक मूवी है भूत वाली मूवी, देखियो बताना कौन कौन देखा है, ठीक है। अच्छा इसे हम करते हैं ऐड, ये रहा 0 2 0 आ गया 2, ये आ गया 2 5 कितना हो गया 7 7 और 4 11 के 1 बचा 1, 9 और 1 10 10 और 8 18 18 और 1 19 के 9 1 1 2 2 और 3 5 और 6 1 6 6 9 1 2 यानी 2 × 6 9 1 2 का अब मल्टीप्लाई कर क्या हो गया, भागो मत, कॉपी में भी मत नोट करो, बस देखते रहो। अभी अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना हमको 2 2 जा 4 2 1 जा 9 2 जा 18 के 8 बचा 1 6 2 जा 12 और 1 ये आ गया 13,824। ये हमारे पास अभी एक सूट का एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकला है सिर्फ और सिर्फ वन सूट का, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितने का रखा है 100 सूट ना,
तो हमें 100 शूट को उसका निकालना पड़ेगा। तो आइए 100 का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 शूट केस, है ना। तो 100 शूट को इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13824 मल्टीप्लाई बाई 100। और क्या 100 से मल्टीप्लाई करना, बच्चों मत बनो बच्चे, मतलब बचकाना वाला हरकतें मत करो, 00 है ना, लास्ट में डाल 00 हो गया आंसर, 82400। अच्छा ये किस में था, ये था हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे रखा है सब ना, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर। अभी और क्या है, फिर कह रहा है ना 96 हमारे पास विड्थ पता है, उस कपड़े का लेंथ नहीं पता है, हमने पहले ही कहा था मैंने। तो यहां पर पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्लॉथ, अरे जब ये किसका है हमारे पास, ये आया ये चीज एरिया, ये एरिया हमारे पास सूट का आया, और जो सूट का एरिया होगा वही तो कपड़े का एरिया होगा, है ना। तो यहां से एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू एरिया ऑफ सूटकेस, एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू एरिया ऑफ सूटकेस, कौन है सूटकेस का, 100 सूटकेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं एरिया ऑफ क्लॉथ होता, क्लॉथ का मतलब यहां पर वो एक है ना ऐसा कपड़ा, जैसे भी होगा बेड उसकी कम होगी, लेंथ ज्यादा है, साड़ी को देख लो, समझ में आई बात ना। तो होता क्या है एल इन टू बी, और यहां पर क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ हंड्रेड सूटकेस निकाल के हमने रखा है यहां पर 13824400। यहां से हमने क्या पता है, हमने यहां पर बी पता है, एल नहीं पता है, तो बी को इधर रोक लो, 13824400 डिवाइडेड बाई 96 करेंगे। अब इसे क्या करना है, इसे कैंसिल आउट करना है। हाँ मैं करूँ, नहीं करूँगा, आप करोगे इसे कैंसिल आउट, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं देखना है अभी भी कितने बच्चे मेरे सिखाने के बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी इसे कैंसिल आउट करना नहीं आया है। तो जो जो मुझसे डायरेक्ट टच में हो व्हाट्सएप के, आप मुझे पर्सनली उसकी इमेज कैंसिल आउट करने के बाद उसका इमेज खींच के मुझे आप पर्सनली सेंड करना। बहुत से बच्चों को लगता होगा क्या सर कैसा क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन भाई साहब जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं आता उनके लिए मैथ डिफिकल्ट है। और मैं उनको फिर से इस पर एक छोटा सा नॉर्मल अलग वीडियो बना के डालूंगा, लेकिन पहले देखूंगा कि इन बच्चों को नहीं आ रहा है, या तो अपनी लाइव क्लास जूम पर बता दूंगा, लेकिन बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो चलो इसका आंसर वैसे फिलहाल के तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आंसर इसका 14400 सेंटीमीटर। फिर गड़बड़ी कर गए, कौन कहा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अजी ये लेंथ है, एल है, लेंथ है, एरिया नहीं है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, लेंथ हमारा मीटर और सेंटीमीटर में हो सकता है, बात मानते हो। अरे कभी कहते हो ये इतनी बड़ी रस्सी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, नहीं ना, तो ये गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में होगा, ये हमारा लेंथ है, बात समझ में आई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज अवर लास्ट क्वेश्चन, आओ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हूज सरफेस एरिया इज, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हूज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया, आसान सा लग रहा है, हैं लग रहा है, तो वीडियो को स्टॉप करो, सॉल्व करो, आंसर लिखो, कमेंट में आओ आंसर डालो, फिर वीडियो देखो, और अगर आंसर आ जाता होगा तो हंस लेना थोड़ा सा, मतलब आपने मेहनत करी है तब आपको वो क्वेश्चन करने को आ रहा है, ठीक है। एदिशा तो है ही, लेकिन देखता हूँ मुझे आता है कि नहीं आता है, आज जाओ देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हूज सरफेस एरिया इज 600 स्क्वायर। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या पता होना चाहिए, हमने क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आज क्यूब का कौन सा फॉर्मूला, क्यूब के सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। जब हमें क्यूब का सरफेस एरिया दिया होगा तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर गिवन है तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम वहाँ से हम क्या करेंगे इसके साइड को निकाल लेंगे। तो आइए प्रूफ करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है ना, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कितना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, बात समझ में। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब होता क्या है हमारे पास 6L,
स्क्वायर, यही तो होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू यहाँ पर है 600। यहाँ से क्या करना है, 6 स्क्वायर को रोको, 600 के नीचे 6 को ठोको, मतलब ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, नीचे ले आया 6, डिवाइड कर दिया। ये सब कुछ कार्यक्रम आपको पता है ना, पढ़ रखे हो शुरू से, जो जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है ये सब कुछ मैंने आसानी से, आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से समझा रखा है। ये देखो 6 × 6 ये हो गया 100। क्या कर रहे हो सर, आप भी बड़े गजब हो, जो आसान सा था उसे तो कैंसिल आउट कर दिए, जो नहीं था हाँ इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो क्वेश्चन था, अगर आपको ये प्रोसेस पता है तो वो भी आपके लिए आसान है ना। तो आओ इसे करते हैं, ये आ गया 100। अच्छा स्क्वायर भूल गया, चलो ठीक है बता दिया आपने। ये तो बस 100 का यहाँ पर एल है बचेगा, ये अंडर रूट, यहाँ पर 100 बचेगा। अब 100 का अंडर रूट होता क्या है, 100 का अंडर रूट होता हमारे पास 10 है ना, ये 10। अच्छा ये क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में, हाँ आपकी बार सही बोल रहे हो, क्या सेंटीमीटर आएगा, यही हो गया हमारे पास। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हूज सरफेस एरिया, साइड पता करना था, तो हर एक साइड 10 सेंटीमीटर का होगा, बात सुन में, बस इतना सा क्वेश्चन था आज के लेक्चर में, बस इतना सा ही बात करेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज उठा के ख़त्म कर डालेंगे। हाँ हो सकते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन बड़े होंगे, लेकिन 40-45 मिनट्स का बना दूंगा और क्या होगा, है ना। चलो ठीक है, इसी के साथ टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और हाँ सैटरडे को रात में 8 बजे जूम पर हम उसी आईडी पासवर्ड के साथ मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और हाँ एक बात और, पता ही होगा क्या कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, लगी ही होगी अच्छी लगी ना, तो इसी बात पे लाइक को सब्सक्राइब करो और अपडेट रहो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दिया करो ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल जाया करे। बाय बाय।